वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एस एस स्पोर्ट्स भदोही। इस बार वह तीस गेंद पर डाउन द ट्रैक खेला है। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के पैरों से गेंद लगी, कोई रन नहीं वहीं पर रुकी। स्कोरिंग खेल के आपस खेल का भाग है, रन के लिए देखना क्या होता है। एक आह भरी अपील लेकिन अंपायर ने उसे नकारा। लेकिन जब तक थ्रो आता गिल्लियां बिखरती तब तक बल्लेबाज सलमान अपनी क्रीज में सुरक्षित मौजूद थे। तो स्कोरिंग की शुरुआत हो चुकी है, पहला रन आया है जमशेद खान के बल्ले से। अभी भी निदा की खेल दिया, ताली मौजूद है, उन्होंने फील्ड किया। लेकिन जब तक वो फील्ड करते बल्लेबाजों के पास मौका। इस बार शारदा फिल्ड गेंद और यहां पर हल्की सी मिस फील्ड। जैसे ही देखा गेंद निकाल लेती सूर्य के समान आ रही है, अपने बल्ले के फेस को खोलते हुए से खेल दिया स्लिप की जाने का। फील्डर मौजूद थे लेकिन थोड़ी सी उसी गलती हुई और इसका खामियाजा। इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन किया था उन्होंने, गति में परिवर्तन। हेलो, और इसके बीच खूबसूरत चला ताली। इस बार फिर से मिडिल ऑर्डर के स्टंप पर गेंद फिर से उसी अंदाज। और इस बार आप स्टंप से काफी बाहर निकले लेफ्ट आर्म। इस बार और पिच गेंद को ग्राउंड पर ट्रैक खेला है, सालों थ्रो फील्ड किया खुद तालिब ने, कोई रन नहीं। हाँ चले गए हैं बहुत खराब यहाँ पर उनका शॉट रूल आउट होकर सभी लोग बता जाते हैं। चल के नहीं आएंगे यार, चाहे गाड़ी से चल के आए चाहे ट्रेन से चल के आए, उड़ के नहीं आएंगे हवाई जहाज से। वहां हंडिया में कोई एयरपोर्ट नहीं है, खुर्रम भाई बाबरपुर में है लेकिन हंडिया में नहीं। ये बात शुरू हो पटकी हुई है लेकिन क्षेत्र बाहर पिछले रखा सदा अवतारी से बल्लेबाज को होते गाइडा से। इस बार अब सदा के लिए इस बार स्लिप करने गए थे कि थोड़ी देर के लिए हवा में और सीधे रूल आउट की शक्ल में सदा अवतारी का विकेट गिरा। चले इस बार भी वाइड बॉल का इशारा। एक बार सा बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काफी अंदर जड़ में किया था। बिल्कुल रमन जी की मेहनत तो काफी दबाव में इस वक्त देखी जा रही है। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, यकीन है सुनील की बिना शॉट का स्ट्रेट बाउंड्री एंड द स्कोर इज वेरी फास्ट बाय 22 22 रनों पर स्कोर जा पहुंचा। इस बार फुलटॉस गेंद को पैरल शूट किया, फुलटॉस गेंद को तो आसानी के साथ चार रन में बल्ला इस चार रन का यकीनन वे रोजे से हैं। और इस बार बहुत ही अंदर शॉट, बहुत ही अंदर शॉट, दर्शक और खिलाड़ी गेंद को सिर्फ देख दिखाएगी तो तू मारे पहले 37 3 और 7 जल्दी फेंको भाई फेंके ब्रा। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद रुमान के लिए। इस बार बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट था। सरा खान ने सोचा शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी, उन्होंने देखा जाने दिया लेकिन ऐसा नहीं।
इस बार बहुत ही अच्छी गेंद की शॉट ऑफ लेंथ गेंद और यहां पर शेखो बेग ने गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया, लेकिन अब हिट नहीं हो पाया गेंद विकेटों पर। एक रन मिला, इस एक रन के साथ इसको क्या पहुंचा 42 रनों पर छठे ओवर की गेंदबाजी। एबरार और रन आउट होने का खतरा और विकेटों पर जीत कर बैठे। दूसरों से रिमान रन आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए 42 रनों पर लगने वाले पांचवा कौन झटका रहा है, तीसरा झटका माफ कीजिएगा रनों में। इस बार गेंद को ड्राइव किया है सनी खान, वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड के अंदर रखने में क्रूशियल शॉट। अब इस बार बहुत ही अच्छा शॉट बॉल उसका आखिरी गेंद पर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने में कामयाब होने होंगे अगर इस मैच को जीतना है अंसारी क्रिकेट क्लब को। देखिए भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा, यहाँ पर खजूर आता हुआ पानी, जो भी रोजेदार हो चाहे टीम के खिलाड़ी हो चाहे दर्शक हो रोजा आ जाएंगे अजान होने पर आकर रोजा खोल लेंगे। तनवीर अंसारी जा रहे स्कोर है 47 रन 48 रन जीत के लिए बनाने होंगे अंसारी 11 का और इस वक्त एसएस स्पोर्ट्स भदोही एक बच्चे को हटा दिया के लिए। पहली गेंद खेलते ही यस की कॉल हुई और एक रन पूरा कर लिया। स्ट्राइक करेंगे तन्वी, पहली गेंद खेल दिया सीधे इस वो अभी भी चीन की दीवार की तरह डटे हुए हैं और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। भदोही वासियों को लगातार मैच की खबरें दे रहे हैं। तेरी कलक्का की इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि जीत मौजूद है। फिर से बात कैसा अच्छी बीट कराने में कामयाब हो गए अंसारी हमारे दरमियान मौजूद है, कमेंट्री बॉक्स की शुरू लगाया हुए है। मैं उनका स्वागत करूंगा। चल के प्रैक्टिस कर रहे आराम से यही टीम आप ये टीम जी।
हो गया बहुत बढ़िया।